हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स ऑन देम। ओके, यहाँ पे हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है। क्या करना है हमें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उसके नॉर्मल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है एट द पॉइंट, गिवन पॉइंट। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये कर्व है और इसके टेंजेंट और नॉर्मल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट कौन सा है? पॉइंट गिवन है 0, 4। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्लोप इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ओके, तो लेकिन हमें बनाना है हमें इस टेंजेंट, स्लोप के टेंजेंट और उसके नॉर्मल की इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप एम। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं x1 एंड y1 और उस लाइन का स्लोप गिवन है हमें m, तो हम किस तरह से उसकी इक्वेशन बनाएंगे? हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें क्या है, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, x1 y1 और एक स्लोप है m। अगर हमें एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन है होता है तो हम इस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की जो इक्वेशन फॉर्म करनी है करना है इसी का यूज़ करके हमें फॉर्म करना है। ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है 0, 4, यानी x1 होगा हमारा 0, y1 होगा 4 और m यानी कि इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें हम x और y की जगह पे 0 और 4 पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड द स्लोप m, ये आप लिख लो। हमको ये इक्वेशन हर क्वेश्चन में यूज करना है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ओके, मैं इसे फिलहाल में मिटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, dy/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम, तो एक्स के डेरिवेटिव जाएंगे 2x प्लस, अब यहाँ पे 2 इंटू ई रेस टू पावर एक्स है तो 2 कोफिशियंट है तो 2 एज इट इज रहेगा, और ई रेस टू पावर एक्स की डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स ही होती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, प्लस 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 0, तो प्लस 0 लिखो या फिर छोड़ दो, इतना लिखो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये हमारा स्लोप है, स्लोप किसका, स्लोप टेंजेंट का। ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m, दैट इज dy/dx। ओके, तो कितना देखा था हमें, हमें 2x प्लस 2 इंटू ई रेस टू पावर x, तो हमें स्लोप फाइंड करना है एट इंडिकेटेड पॉइंट, पॉइंट को सर गिवन है 0, 4, तो हम यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट 0, 4, यानी कि x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो y तो है नहीं, बस x की वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेस टू पावर 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू ई रेस टू पावर 0 मतलब के 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 2 इंटू 1 2। ओके, तो हमें टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे।
नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज अभी मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो एक्स वन और वाई वन क्या है, हमारा गिवन पॉइंट है और m जो है स्लोप है, ठीक है। तो वाई वन कितना गिवन है, 4, एक्स वन गिवन है 0 और m की वैल्यू है 2। ओके, सो देयरफॉर 2 इंटू एक्स, 2x, ये y उधर जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा माइनस 4, उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। देन अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले हमें नॉर्मल का स्लोप हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। पॉइंट तो वही रहेगा दोनों के लिए, जैसे कि ये टेंजेंट है एक कर्व पे, इस पॉइंट पे हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये कुछ कर्व इस तरह से गया। अब इसी पॉइंट पे टेंजेंट का जो नॉर्मल है उसको यहाँ परपेंडिकुलर होगा यहाँ इस तरह से, तो पॉइंट जो है पॉइंट कॉमन रहेगा 0 एंड 4, इसका स्लोप m रहेगा। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप कितना हो जाता है, -1/m होता है, ठीक है। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है तो हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का -1/2। ओके, इस तरह से। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज दैट इज इक्वल टू भी हम लिख सकते -1/m, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप m था तो नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/m, तो दैट इज इक्वल टू, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस m की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज -1/2। ओके, अब स्लोप फाइंड होने के बाद में हम उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0.04 इज, ठीक है, फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 0.04 और m यहाँ पे -1/2 है, ठीक है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, हम -1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x हो जाएगा, ये जो 2 डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू वाई माइनस 4 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू -x - 0। अब ये -x इधर आ जाएगा, +x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज एक्स प्लस 2y - 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे नॉर्मल की। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, हमें पहले स्लोप फाइंड करना है, फिर उसकी इक्वेशन बनाना है टेंजेंट की, फिर नॉर्मल का स्लोप फाइंड करके उसकी इक्वेशन हमें बनाना है। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है -9xy इज इक्वल टू 0। ओके, और हमें इसकी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है एट 0.24। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो स्लोप होता है टेंजेंट का वो dy बाई dx ही होता है। सो देयरफॉर चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएंगे इसकी डेरिवेटिव, एक्स क्यूब की 3x2, वाई क्यूब की डेरिवेटिव 3
वाई स्क्वायर, देन वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, माइनस 9 इंटू, अब यहाँ पे एक्स इंटू वाई, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होती है, तो 1 लिखो या फिर मत लिखो, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब हमें क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को कॉमन ले लेंगे। ओके सो 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इन ब्रैकेट 3y² माइनस 9x, दैट इज इक्वल टू, अब जो ये जो टर्म है 3x² और माइनस 9y, उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² प्लस 9y। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 9y अपॉन 3y² माइनस 9x। अब ये जो वैल्यू मिली हमें डी वाई बाई डी एक्स की, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है हमें, पॉइंट है 2 एंड 4, तो हम यहाँ पे हम एक्स और वाई की जगह पे 2 और 4 पुट करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे। ओके देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2, 4। ओके तो क्या करना है हमें, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे 2 और 4 पुट करना है। सो देयर फोर एम इज इक्वल टू, एम लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे हमें 2 पुट करना है और वाई की जगह पे 4 पुट करना है, तो माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48 माइनस 18, सो देयर फोर एम इज इक्वल टू दैट इज 24 अपॉन 30। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे स्लोप की वैल्यू हो गई, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अगर हमने इसे 6 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 4/5, तो ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके अब हम इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करेंगे, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। नाउ देयरफॉर एम इज इक्वल टू 4/5, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो पॉइंट जो है एक्स वन टू वाई वन फोर और स्लोप हमें गिवन है 4/5। क्या कर सकते हैं हम, ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन चले जाएंगे, तो 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट देयर फोर 5 इंटू वाई
फाइव आई माइनस फाइव फोर जा 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 2 4 जा 8, ओके। सो देयर फोर 4x माइनस 5y, अब ये माइनस 20 उधर जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 कितना होता है, 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। देन अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो पहले उसका स्लोप हम लिख देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज क्या है, अगर स्लोप टेंजेंट का स्लोप कितना है, एम है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एम, ठीक है। यानी कि एम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करना है 4/5, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 5/4, ओके। क्योंकि जो डिनोमिनेटर 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 में रहता है वो चले जाता है न्यूमरेटर में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/4। अब ये जो स्लोप है नॉर्मल का स्लोप है, अब इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे माइनस 5/4 पुट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, ओके। सो देयर फोर ये इक्वेशन रहेंगी वाई माइनस, यहाँ पे मैंने लिखना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयर फोर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वाई माइनस फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे एम की वैल्यू आ जाएंगी माइनस 5/4 और एक्स माइनस टू एज इट इज। सो क्या करेंगे, 4 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 4 16, और माइनस 5 को एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 10, ओके। सो देयर फोर क्या हो जाएगा, माइनस 5x इधर आएगा, प्लस 5x हो जाएगा, देयर फोर 5x प्लस 4y माइनस 16 है, ये प्लस 10 इधर आएगा, माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 माइनस 16 माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ओके। तो 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और ये जो है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, इसके टेंजेंट और नॉर्मल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है एट पॉइंट अंडर रूट 3 एंड 2, ओके। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव आ जाएंगी, लिख लो, नहीं तो यहाँ पे तो 2x प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई के लिए, तो एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज dy बाय dx, प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन दैट इज वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होती है, ठीक है। तो सिर्फ वाई लिखेंगे हम यहाँ पे, देन आगे 2y², तो 2 जो है कोफिशियंट है एज इट इज रहेगा, तो वाई स्क्वेयर की डेरिवेटिव आ जाएंगे 2y इंटू dy बाय dx, ठीक है। और 5 जो है कॉन्स्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 0, ओके। तो हमें यहां से क्या करना है, हमें यहां से dy बाय dx को कॉमन लेना है। सो देयर फोर 2x प्लस अंडर रूट 3x इंटू dy बाय dx, सॉरी माइनस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3y, 2 2 4y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर डी वाई बाय डी एक्स इन ब्रैकेट 4y माइनस अंडर रूट 3x, ओके। डी वाई बाय डी एक्स की टर्म थी हमने एक तरफ ले लिया,
उसमें से डिवाइड बाई डिक्स हमने कॉमन ले लिया, ओके okay? दैट इज इक्वल टू, अब जो रिमेनिंग टर्म है हम उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये 2x है इधर जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y उधर जाएगा प्लस अंडर रूट 3y हो जाएगा, ओके सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस अंडर रूट 3y अपॉन 4y माइनस अंडर रूट 3x, ओके तो ये जो होगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज m, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है एट द पॉइंट अंडर रूट 3 एंड 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x और y की जगह पे अंडर रूट 3 और 2 पुट करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट अंडर रूट 3 एंड 2 इज क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 सॉरी तो 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो पहले हम वाई की वैल्यू लिख देते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू वाई की वैल्यू 4 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसल मतलब कि जीरो। अब डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू और कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर न्यूमरेटर में जीरो है डिनोमिनेटर में कुछ भी रहो एक्सेप्ट जीरो तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें जीरो ही मिल रही है, ठीक है तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई एट पॉइंट अंडर रूट 3 बाई 3 2 जीरो, मतलब कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया कितना जीरो। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट अंडर रूट 3 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है तो स्लोप हमें मिल गया जीरो। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, ओके सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अंडर रूट 3 2 इज, ठीक है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y1 की वैल्यू हमें गिवन है 2, x1 की वैल्यू हमें गिवन है रूट 3 और m हमने फाइंड किया है 0, सो देयरफॉर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। अब नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने से पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या मिली है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 0 मिली, मतलब कि सॉरी y इज इक्वल टू 2 मिली, मतलब कि जो इक्वेशन है टेंजेंट है वो क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। सो ग्राफ इज x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है अब हमें पता है कि जो x एक्सिस है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0, ठीक है ये दोनों भी इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन मिली है वो क्या मिली है y इक्वल टू 2 यानी कि वो पॉइंट यहाँ से पास हो रही है 1 2, ठीक है 1 2 y इज इक्वल टू 2, ठीक है यानी कि क्या है x एक्सिस के पैरेलल में है, जैसे कि हमें पता है कि x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है तो इसलिए उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी कितना होगा जो कि हमने फाइंड किया 0 होता है, ठीक है और हमें एक और बात पता है क्या, जैसे कि जो y एक्सिस है
उसका जो स्लोप होता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, या उसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल में लाइन है उसका जो नॉर्मल रहेंगे अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो नॉर्मल रहेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। जिस तरह से एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह से उसके पैरेलल लाइन का जो भी रहेगा पैरेलल में उसका भी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो टेंजेंट का जो नॉर्मल रहेगा उसका स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। और वैसे अगर दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें, जैसे कि हमें पता है अगर टेंजेंट का स्लोप हमने m कंसिडर किया है, तो उसके जो नॉर्मल का स्लोप हम कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं हम, -1/m, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी फाइंड किया हमने, m की वैल्यू है 0, तो हमें क्या लिखना होगा, -1/0। डिनोमीटर में 0 मतलब के नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हमने कहा है कि जो यहाँ पे जो नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, ओके। तो इक्वेशन क्या होंगे नॉर्मल की, अब जैसे कि एक्स एक्सिस की जो पैरेलल में रहता है उसकी इक्वेशन रहती है वाई इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 2 था, तो अब जो वाई एक्सिस के पैरेलल में उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेंगे, एक्स इज इक्वल टू समथिंग। अब समथिंग मतलब के कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट हमें गिवन है अंडर रूट थ्री टू, यानी कि एक्स का पॉइंट जो है √3 है, वाई का पॉइंट जो है 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू, एक्स का पॉइंट दैट इज कोऑर्डिनेट दैट इज √3, ठीक है। तो जो नॉर्मल रहेगा उसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन रहेंगी वो एक्स इज इक्वल टू √3 रहेंगी, और उसका जो नॉर्मल है उसका नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। अब हम इसे लिख लेंगे, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्मल इज -1/m, वेयर जो m है m नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेयर m इज इक्वल टू 0, मतलब के स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब नॉर्मल का जो स्लोप है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और हमें पता है कि वाई एक्सिस है उसका भी स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। जैसे कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी तरह से उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस उसके भी पैरेलल होगा, तो देयर फोर नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट √3 टू, सो इक्वेशन ऑफ देयर फोर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट √3, ठीक है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 2xy + π × sin y इज इक्वल टू 2π, ओके। ये कर्व की इक्वेशन है, हमें इसके टेंजेंट और उसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है एट π/2। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो 2 बाहर कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होती है, ठीक है। ये हो सके तो इतना याद ही कर लो कि एक्स वाई की जो डेरिवेटिव आएंगे वो आएंगे एक्स इंटू dy/dx + y, ओके, टाइम बचेगा आपका। प्लस पाई, पाई कॉन्स्टेंट है, कोएफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, साइन वाई की डेरिवेटिव हो जाएंगी कॉस वाई, देन वाई की डेरिवेटिव dy/dx, कॉन्स्टेंट है तो 0।
सो देयर फोर अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो टू इंटू एक्स टू एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या है प्लस पाई इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू, अब ये जो टू वाई टू इंटू वाई टू वाई को उस साइड भेज देंगे तो माइनस टू वाई हो जाएगा, ओके। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस पाई इंटू कॉस वाई, ओके। ये जो हो गया डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट वन पाई बाई टू। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे एक्स जगह पे वन पुट करेंगे, और वाई की जगह पे पाई बाई टू पुट करके स्लोप हम फाइंड करेंगे, ओके। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स एट वन पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू क्या है पाई बाई टू अपॉन टू इंटू एक्स यानी कि वन प्लस पाई इंटू कॉस पाई बाई टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब ये टू से टू डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस पाई, नीचे टू प्लस पाई इंटू कॉस पाई बाई टू यानी कि कॉस 90 कितना होता है जीरो, ठीक है, कॉस जीरो वन होता है और कॉस 90 जीरो होता है, ओके। तो इंटू में आ जाएगा जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है, पाई इंटू जीरो जीरो सिर्फ बचा नीचे डिनोमिनेटर में टू बचा, न्यूमरेटर में माइनस फाइव, दैट इज माइनस पाई बाई टू, ओके। तो ये जो हो गए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज एम, जिसको हम एम से ज़्यादातर डिनोट करते हैं, ठीक है, एम नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, इज माइनस पाई बाई टू। तो क्या कर सकते हैं अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, सो देयर फोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट वन पाई बाई टू इज वही फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई वन की जगह पे पाई बाई टू, एक्स वन की जगह पे वन, और एम कितना है माइनस पाई बाय टू, ओके। सो ये टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस पाई से एक्स और वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो टू इंटू वाई टू वाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू, तो टू से मल्टीप्लाई करने पे टू और टू डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ माइनस पाई बचेंगे, यानी कि टू इंटू पाई बाई टू करेंगे तो टू टू डिवाइड ओनली पाई इज रिमेनिंग, तो माइनस पाई दैट इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू एक्स माइनस पाई एक्स माइनस माइनस प्लस पाई इंटू वन पाई। सो ये इधर आ जाएगा माइनस है तो प्लस पाई एक्स प्लस टू वाई, अब ये प्लस पाई इधर आएगा माइनस पाई, तो माइनस पाई यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस पाई माइनस पाई माइनस टू पाई इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ओके। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, उससे पहले हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। सो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज क्या है, इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या होगा माइनस वन अपॉन m, दैट इज इक्वल टू अब m की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पाई बाई टू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि माइनस वन बाय m है तो माइनस m की वैल्यू माइनस पाई बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टू है वो चले जाएंगे न्यूमरेटर में, यानी कि हो जाएगा टू बाय पाई, ओके।
अब स्लोप मिल गया है। अब इस इक्वेशन में एम की जगह पे यहाँ पे हमें 2 बाय पाई पुट करना है। ओके okay? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0.1 पाई बाय 2 इज y माइनस पाई बाय टू, ठीक है, यही इक्वेशन है, बस m की वैल्यू चेंज होंगी, इज इक्वल टू 2 बाय पाई इंटू एक्स माइनस वन। अब हमें यहाँ पे इसे वो पाई से मल्टीप्लाई करना है, उधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा पाई वाई माइनस पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। वाओ, पाई का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले तो इसे इधर ला लो, इनको उधर भेज दे तो +2x है ना, देयरफॉर 2x +πy -π² / 2 माइनस टू, इधर आएगा +2 इज इक्वल टू 0। ओके तो सॉरी ये इक्वेशन उधर गए, तो ये -2 -2 रहेगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन का ध्यान में रखना, जनरली हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है 2x वाली टर्म, उसे हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अगर 2x ये निगेटिव है तो इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दो, अगर ये पहले से पॉजिटिव है तो इस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। ओके तो अब यहाँ पे वैसे तो हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है, तो थोड़ा सा इसके सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो वहाँ से हट जाएगा। ओके सो देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x -2πy +π² - 4 इज इक्वल टू 0। ओके जीरो तो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन मिली है ये हमारी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है उस वो क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।